दीपिका के पापा बेटी के लिए तलाश रहे हैं दूल्हा एक तरफ तो बॉलीवुड बाजीराव रणवीर सिंह ने मस्तानी दीपिका को अपना बनाने की कसम खाई हुई है, लेकिन वहीं पता चला है कि दीपिका के घर में उनके लिए कुछ और ही तैयारियां चल रही हैं। दीपिका के पापा प्रकाश पादुकोण अपनी लाडली बेटी के लिए एक सुंदर सुशील लड़का खोज रहे हैं। दो दिन पहले दीपिका पादुकोण ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बुक लॉन्च इवेंट पर आई थी। यहाँ आने के बाद दीपिका ने कई खुलासे किए। उन्होंने रणवीर सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके साथ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड जरूर मान लिया। इस बीच ड्रीम गर्ल हेमा ने अपनी जवानी के दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि एक जमाने में उनके पापा उनकी शादी के लिए लड़का तक खोजने लगे थे। ड्रीम गर्ल के पापा अपनी बेटी के लिए न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल विज्ञापन तक देने लगे थे। हेमा मालिनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में दीपिका भी बोल पड़ी। दीपिका के मुताबिक हेमा के पापा के किस्से सुनकर उनके पापा भी उनके लिए भी न्यूज़पेपर में शादी का विज्ञापन दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर दीपिका के पापा प्रकाश को रणवीर सिंह के होते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या दीपिका के पापा नहीं जानते कि रणवीर सिंह के दिल में दीपिका के साथ शादी के बंधन में बंधने की कितनी हसरत है? रणवीर सिंह तो करण जौहर के शो में खुलेआम ये बोल चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बन जाएंगे दीपिका के लिए दुल्हा। उस वक्त दीपिका के पापा प्रकाश पादुकोण ने भी एक इंटरव्यू में दे दी थी उनको परमिशन। दीपिका जिसके साथ चाहे कर सकती हैं शादी। प्रकाश पादुकोण ने कहा था कि दीपिका बालिग हैं और वो जानती है कि वो क्या कर रही है। बतौर पिता मैंने दीपिका को आज़ादी दी है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। इस मामले में भी वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है। यानी रणवीर सिंह के होते हुए दीपिका के पापा को उनके लिए लड़का ढूंढने की नहीं है कोई जरूरत, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद देकर रणवीर और दीपिका की शादी करवानी है।